यदि आपने भी सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल CRCS पर ऑनलाइन आवेदन किया था और आपके भी स्टेटस में इसी तरह का डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज दिख रहा है, स्टेटस दिख रहा है, तो इसका ऑनलाइन कंप्लेन कैसे कर सकते हैं, शिकायत कैसे कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे कंप्लेन करेंगे, चलिए आपको बताते हैं। फिलहाल अगर हम आपको बता दें कि इसमें दो तीन तरह का स्टेटस शो करता है, आगे हम बता रहे हैं भी आगे आपको कैसे करना है। अगर आपका अंडर प्रोसेसिंग लिख रहा है फिर कुछ नहीं करना है, किसी से कुछ नहीं पूछना है, बस स्टेटस चेक करते रहना है जब तक वह अंडर प्रोसेसिंग चेंज ना हो जाए। दूसरा चीज़, कुछ लोगों का वहाँ पर रिजेक्ट लिख रहा है, जिनका रिजेक्ट लिख रहा है उन्हें न्यू आवेदन फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा, और जिनका वहाँ पे प्रोसेस लिख दिया हुआ है PROCEWCD, जिनका प्रोसेस लिख दिया हुआ है, ऐसे लोगों का पैसा अकाउंट में आ गया है या आने वाला है, वो लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, उन्हें कुछ नहीं करना है। चौथी चीज़, जो कि ये डिफिशियंसी कम्युनिकेट का मैसेज आ रहा है वहाँ पे, कुछ लोगों को पहले ही मैसेज डिफिशियंसी का मैसेज आ गया था मोबाइल पे SMS के माध्यम से, कुछ लोगों को नहीं आया था, लेकिन स्टेटस में चेक करने पे यहाँ पे डिफिशियंसी कम्युनिकेट का मैसेज दिख रहा है, तो कैसे कंप्लेन करें चलिए आपको बताते हैं। तो चलिए आ जाएंगे CRCS पोर्टल पे सहारा के, यहाँ पे जमा करता लॉगिन पे क्लिक करेंगे, फिर लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको वही 4 अंकों का लास्ट आधार नंबर, मोबाइल नंबर जो लिंक होगा, फिर OTP डाल करके OTP दर्ज करें, सत्यापित करें। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे आपके स्टेटस के ऊपर यानी डिफिशियंसी कम्युनिटी के ऊपर टॉप पे देख सकते हैं शिकायत का यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको कुछ बेसिक डिटेल भरना होगा, जैसे कि नाम, मेल आईडी, मोबाइल नंबर और मैसेज, यानी कि आपको क्या समस्या है, क्या कंप्लेन करनी हो। तो चलिए नाम डाल देते हैं, मेल आईडी डाल देते हैं, हम रेंडमली डाल रहे हैं, आप अपना डालिएगा, मेल आईडी डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल देंगे और मैसेज में करेक्टर स्पेस इन्होंने बहुत कम दिया है, तो थोड़ी बातों में अपनी बात समाप्त करनी है। हमने लिख दिया यहाँ पे माई स्टेटस इज कम्युनिकेटेड डिफिशियंसी प्लीज सॉल्व दिस, बस इतनी बात लिख देंगे, इसके आगे वहाँ पे स्पेस भी नहीं है लिखने का, और इन्होंने बनाया है एक लाइन में ही लिखना है, ऊपर नीचे कहीं लिखा नहीं पा रहा है। ठीक है, फिलहाल जो भी है हमने कंप्लेन यहाँ पे दर्ज करने के लिए ऑप्शन आ गया है, जमा करें पर क्लिक करेंगे, सबमिट पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे लिखेगा संदेश सफलतापूर्वक लॉक किया गया, फिर आप एक बार और क्लिक करके यहाँ पे जमा करे पे क्लिक करेंगे, तुरंत ही आप इससे आउट हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। तो अभी आपने देखा कि कैसे आप ऑनलाइन कंप्लेन कर पाएंगे, फिलहाल उसका आपको कोई मैसेज कोई रिसीविंग नहीं मिलेगा, आपको वेट एंड वॉच करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंप्लेन करेंगे तो उनके सर्वर पर ज़्यादा लोड होगा, तो लोग ज़्यादा उस पर एक्शन लेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग कंप्लेन करिए, और जो लोग भी सहारा इंडिया ऑनलाइन आवेदन किए थे और डिफिशियंसी का कम्युनिकेटर उन्हें भी एरर शो हो रहा है, ऐसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑनलाइन कंप्लेन करें, कि मैंने बताया है, उन लोगों का एक्शन थोड़ा तेज होगा और आपके उस आवेदन पे कार्रवाई जरूर करेंगे। फिलहाल कुछ और पूछना हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बस इतना ही, धन्यवाद।